Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. In my previous video, I have discussed with you all historical development of education in India during British period. And in the continuation of that lecture, I will discuss today the historical development of education in India during post-independence era. Okay? So, the lecture will be useful for you for your various competitive teaching examinations as well as for your general and professional BA, BEd and MA, MEd courses. So first of all, जब देश आजाद हुआ तो देश में शिक्षा की स्थिति एज मतलब अच्छी नहीं थी और सबसे पहला जो एजुकेशन कमीशन बनता है वो 1948 में बनता है, 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, वो यूनिवर्सिटी की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बनाया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. The setting up of the University Education Commission, popularly known as the Radhakrishnan Commission, in 1948 was a major landmark for enunciating the goals and objectives of higher education in independent India. मतलब पहला जो बनता है कमीशन 1948 में, और ये मेजर लैंडमार्क रहा स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा की दशा को सुधारने के लिए. ओके, तो इस यूनिवर्सिटी, इस कमीशन ने यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन चल रही है उसकी, उस पर सर्वे किया होगा, उस पर देखा, बहुत सारा देखा कि बहुत डिफेक्ट्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर उसने अपनी रिकमेंडेशन दी. तो रिकमेंडेशन मतलब संस्तुति दी. तो उसने पाया कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए. तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहता है कि एम क्या होना चाहिए शिक्षा का, मतलब हायर एजुकेशन का, कि द एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू अवेकन एंड प्रमोट द इननेट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन. वो कह रहा है कि जो व्यक्ति में आंतरिक उसकी जन्मजात योग्यता है उसको जरूर जागृत और प्रमोट करना चाहिए शिक्षा को, एंड टू ट्रेन हिम और हर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स, और उसको प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो अपना और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट कर सके. दस The purpose of education is to acquaint an individual with his or her cultural heritage and to impart professional and vocational training. यानी कि according to University Education Commission, जो 1948 में बनता है, 80 साल हो रहा है लगभग, वो कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य, उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी कल्चरल हेरिटेज को लेते हुए, साथ में चलते हुए प्रोफेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग में इक्विप हो सके. The commission emphasized the role of postgraduate education, training and research for the advancement of knowledge. ये commission कहता है कि PG में जो कक्षाएं चल रही हैं, जो शिक्षा दीक्षा है, जो training है, जो research है, वो knowledge के advancement के लिए होनी चाहिए. It stressed the university's role in studying agriculture in an agrarian economy. देखिए, आपको ध्यान, हमेशा जब भी किसी की recommendation देखिए तो आपको पता होना चाहिए वो किस समय लागू की गई है. जब ये लागू किया गया तो देश कृषि प्रधान था, मतलब बहुत ज्यादा, और कोई चीज में इतना हम तरक्की पे नहीं थे. इसलिए कहा गया कि यूनिवर्सिटी का रोल होना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर की भी वहाँ पढ़ाई हो ताकि और हम कृषि में निपुण हो सके, है ना. लाइक इंडियन सजेस्टेड दैट स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज. और इन्होंने क्या कहा, रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द कमीशन रिकमेंडेड दैट इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन should be replaced as early as possible by an Indian language. क्योंकि उसके पहले तक तो, चूंकि ब्रिटिशर्स का काल था तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश ही था. तो इन्होंने कहा चूंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इतना जरूरी है, इसलिए जरूर उसको शीघ्र अतिशीघ्र किसी भारतीय भाषा से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए. इसके बाद जो कमीशन बनता है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनता है, जो 1952 में गठित होता है, 1953 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है. तो पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधारने की कोशिश की गई, फिर क्या पाया गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ कौन रहा है, इनपुट कौन है, वो बच्चे जो सेकेंडरी एजुकेशन से पास आउट होते हैं. तो फिर सेकेंडरी एजुकेशन को सुधारने की कोशिश की गई. ऑन सेप्टेम्बर 23, 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए एल स्वामी मुदालियर. आपको ये मुदालिया कमीशन, मुदालिया आयोग के नाम से भी मिल जाएगा. द कमीशन वाज बेसिकली रिक्वायर्ड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर रिफॉर्म्स ऑन एम्स, टीचिंग अरेंजमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, द रिलेशनशिप ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद प्राइमरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूजफुल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द होल कंट्री. द कमीशन गेव द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस. वो कह रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, एक तरीके से प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच की कड़ी है. प्राइमरी से बच्चा पढ़ के सेकेंडरी में आ रहा है, सेकेंडरी से पढ़कर हायर में जा रहा है. तो कह रहा है इसको तो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए. तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए इस कमीशन ने. सबसे पहला वो कह रहा है कि कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी शुड बी द मेन एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. यानी कि जो आपकी 12th तक की पढ़ाई लिखाई है उसमें आपके चरित्र का निर्माण हो जाना चाहिए और आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जानी चाहिए.
मल्टीपर्पज स्कूल्स शुड बी ओपन अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं चूंकि इतने विविध आयामी बहुआयामी बच्चे हैं तो आप मल्टीपर्पज स्कूल चलाइए, सबको एक ही तरीके की पढ़ाई मत दीजिए। मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज शुड बी मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द कमीशन रिकमेंडेड दैट द करिकुलम शुड बी डाइवर्सिफाइड। जब हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने जब वोकेशनलाइजेशन की बात की तो था कि मुदालियर कमीशन ने ये कहा था कि करिकुलम को डाइवर्सिफाइड होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे। It emphasized on vocational courses and suggested that at the middle school stage, the curriculum should include languages, social studies, general sciences, mathematics, art and music, craft and physical education. Okay, आप भाषा पढ़ाइए, आप social studies पढ़ाइए, आप general sciences पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, कला पढ़ाइए, संगीत पढ़ाइए, craft पढ़ाइए, physical education, मतलब बहुत तरीके की चीजें। It also gave important suggestions pertaining to suitability of textbooks and improving their quality. क्योंकि जो textbooks हैं उनकी quality अच्छी नहीं है तो उसको improve करने की बात की गई। The aim of the method of teaching should not be merely imparting of knowledge but also inculcating desirable values and proper attitudes and habits of work in the student. वो कह रहा है कि आप सिर्फ ज्ञान मत दीजिए बल्कि वो मूल्य जो आप चाहते हैं उनमें डेवलप हो वो इनकलकेट कीजिए, वो प्रॉपर एटीट्यूड उनमें डेवलप हो सके, उनमें कार्य के प्रति श्रम के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो सके। द कमीशन हैज सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। द मुदालिया कमीशन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इन एवरी स्टेट टू एडवाइज द मिनिस्टर एंड शुड हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द मिनिस्टर कंसर्न। Thus we see that the commission has given numerous practical suggestions for the reforms of secondary education in the country. तो पहला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनता है जो कि द्वितीयक शिक्षा आयोग भी और मुदालियर आयोग भी इसको कहते हैं। उसके बाद जो आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कवरेज करता है ये कोठारी कमीशन। इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं और चूंकि कोठारी साहब इसके चेयरमैन थे इसलिए कोठारी कमीशन हो गया। तो ये 1964 में बनाया गया और 66 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। दिस तो मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी को देखा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को देखा, तो फिर सोचा गया कि ऐसा एजुकेशन कमीशन हो जो इन टोटैलिटी सारे लेवल्स की बात हो सके, कुछ मतलब सब मिला हुआ है ना, एक होलिस्टिक वे में देख सके एजुकेशन को। उसके लिए एजुकेशन कमीशन बैठाया गया जिसको कोई कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। दिस कमीशन बेसिकली एम्फसाइज्ड ऑन एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये कमीशन कहता है कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय विकास के लिए होनी चाहिए। द कमीशन असर्टेड दैट एजुकेशन शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी इन एनी स्कीम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की में जो समस्याएं हैं उनके उनको एड्रेस करना चाहिए, है ना। रिलेट टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो, शिक्षा जो हो वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, वर्क एक्सपीरियंस। देखिए वर्क एक्सपीरियंस की बात कोठारी कमीशन करता है, वोकेशनलाइजेशन की करता है। वो कहता है कि बी परसीव्ड एज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज बच्चे में आ सके इसकी बात करता है। तो बहुत सारी बातें आप रिकमेंडेशन पढ़ सकते हैं खुद से। तो कोठारी एजुकेशन कमीशन आ गया, मतलब ये एक एक कमीशन पूरा डिटेल में पूरी उस पर स्लाइड बन सकती है 10-15, लेकिन चूंकि मैं इन टोटैलिटी कवर करना चाह रही थी कि कौन कौन से मेजर कमीशन एंड कमिटीज बने हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसलिए मैं क्विकली आगे बढ़ रही हूँ। फिर गठित होती है नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली एनपी 1968 में, दूसरी 86 में, और अब रीसेंट जो है वो 2020 में आई है। तो चूंकि 2020 को मैं अलग वीडियो में कवर कर चुकी हूँ इसलिए मैंने एनईपी 2020 को इस लेक्चर में कवर नहीं किया। तो इसमें सिर्फ 1968 और 1986। The necessity of national policy on education cannot be overemphasized as it is related to the essential development of a country. It was in 1968 for the first time that a national policy on education was formulated for preparing suitable hands for shouldering responsibilities in the various fields of our national reconstruction. मतलब तब सोचा गया कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए जिसके हिसाब से पूरे राष्ट्र में शिक्षा व्यवस्था चलाई जाए। Number of programs was included in this policy which free and compulsory education की बात होने लगी। देखिए डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, शैक्षिक अवसरों की समानता की बात हो रही है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात हो रही है, गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करके और बेहतर करने की बात हो रही है, वर्क एक्सपीरियंस अभी भी चल रहा है, एनएसएस की बात हो रही है। देखिए 1968 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई वो कह रही है कि एनएसएस होना चाहिए, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पे बात हो रही है, एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस
करिकुलम, एक्सपेंशन ऑफ लिटरेसी इन एडल्ट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इतनी बातें 1968 की पॉलिसी में कही गई। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सम चेंज ऑन इट टू रिस्पॉन्स द चेंजिंग फेस ऑन डिफरेंट सेक्टर। इन 1986 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, मतलब 1968 में आती है। फिर लगभग उसके 20 साल बाद 1986 में आती है, तो 1986 वाली तो बहुत पॉपुलर है। To the removal of disparities and emphasizes on the steps to equalize the educational opportunity to women, scheduled caste and scheduled tribes, the handicapped and certain minority groups who are either educationally deprived or backward, the following subject was covered by National Education Policy under 23 Task Force. मतलब इसमें कहा गया कि जो SC ST हैं, जो women हैं, जो handicapped हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है, जो डिप्राइव्ड है, जो बैकवर्ड है, उन सब को ये पॉलिसी अपने में कवर करती है, समाहित करती है। और 23 मेजर हेडिंग के तहत इसकी ये डॉक्यूमेंट है। तो मैंने सिर्फ हेडिंग ले ली है। कौन से 23 मेजर हेडिंग है? मेकिंग द सिस्टम वर्क, कैसे सिस्टम चलाया जाए, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वीमेन्स इक्वालिटी, एजुकेशन ऑफ SC ST माइनॉरिटी की एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे क्या कहती है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ECCE का कंसेप्ट आया है इसमें, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, देखिए इसके पहले कहीं नहीं था। एलिमेंट्री एजुकेशन पे क्या कहती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया है यहाँ से, बहुत सवाल पूछे जाते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण शिक्षा का, हायर एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी की बात, देखिए ओपन यूनिवर्सिटी की बात इससे पहले नहीं हो रही थी। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, देखिए ये चल नहीं पाया, उन्होंने कहा कि डिग्री से जॉब को जो तोड़ दीजिए, मतलब जरूरी नहीं जिसके पास डिग्री हो उसी को जॉब दीजिए, क्योंकि उसके अलावा भी काबिल लोग हो सकते हैं और नाकाबिल लोगों के पास भी डिग्री हो सकती है। दी कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन की बात हुई, इवेल्युएशन प्रोसेस की बात हुई, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात हुई, कैसे शिक्षा को मैनेज किया जाए उसकी बात हुई, और रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, मतलब इतने 23 टास्क फोर्सेज के तहत एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जो NEP 1986 का है। फिर उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA। अच्छा, ये इसके पहले कोई भी कमीशन कमेटी थी उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं बना था, मतलब फॉलो अप नहीं करके देखा गया कि कितना बना, कितना कारगर हुआ, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का, ऑन एजुकेशन का फॉलो अप प्रोग्राम भी बना जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। विच वॉज द रिजल्ट ऑफ डेलीबरेशन, कंसल्टेशन एंड कंसेंसस, वॉज रिव्यूड एंड अपडेटेड इन 1992 में इसको फिर से अपडेट किया गया। The introductory part of the POA envisages that given the rich diversity of the nation, it would be in the fitness of things if each state and union territory formulates a state POA in accordance to with their situational imperatives as well as with the POA 1992. कह रहे हैं क्योंकि देश इतना विविध है, इतना विस्तृत है, तो हर राज्य को अपना एक POA बना ले, और वो जो 1992 का पीओ है उसके कंसेंसस में काम करे, उसके उसकी गाइडलाइन के अंदर काम करे, और देखे कि कितना वाकई कारगर हुई हैं ये संस्तुतियां। ठीक है, फिर आपका आता है जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट 1992 में। जनार्दन रेड्डी कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1992 इन ऑर्डर टू मेक अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाई प्रोफेसर राम मूर्ति 1990 अंडर द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जो राम मूर्ति साहब ने 1990 में रिपोर्ट सबमिट की थी उसके एग्जामिनेशन के लिए जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट कमेटी बनाई गई। इट वॉज फॉर्म टू लुक इन टू द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ SCs एंड ट्राइबल पीपल। देखिए मेनली इस कमेटी ने देखा है कि जो ये छूट गया है वर्ग, जो SCs हैं, जो ट्राइबल पीपल है, वो कैसे हम मुख्य धारा में शामिल किए जा सकते हैं। द रेड्डी कमेटी फर्दर रिकमेंडेड दैट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री शुड अपॉइंट सिमिलर कमेटीज इन देयर सेपरेट ज्यूरिसडिक्शंस इन ऑर्डर टू एजुकेट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल पीपल एज मच एज पॉसिबल। वो कह रहे हैं हर स्टेट इस पर काम करे कि SC और ट्राइबल पीपल एजुकेट किए जा सकें। द कमेटी एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन स्कूल सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑल द नीडेड फैसिलिटीज टू द सो फार नेग्लेक्टेड बैकवर्ड क्लास पीपल। कह रहे हैं जो अभी तक ये नेग्लेक्टेड रह गए इनकी शिक्षा के लिए काम किया जाए। द कमिटी ऑल्सो गेव सजेशंस विद रिगार्ड टू फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, एडल्ट एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल प्रोविजन। इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ AICTE। जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट ने कहा कि AICTE का गठन कर दिया जाए। आपको पता है कि अभी AICTE देश में चलती है, हालांकि NEP 2020 ने कहा है कि इसको मर्ज कर देंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन और आता है, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो 2005 में गठित हुआ था।
The National Knowledge Commission NKC was constituted on 13th June 2005 by the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. The commission was to be a think tank which would consider the possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge intensive service sectors. मतलब 13 जून 2005 को ये गठित हुआ और ये think tank था. मतलब इसने इसको टास्क दिया गया कि आप सोचिए, सैम पिट्रोडा इसके चेयरमैन थे, सोचिए और बताइए कि कैसे आप देश की उच्च शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं. तो पांच की एरिया लिए थे इन्होंने नॉलेज पैराडाइम के. कौन कौन से? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू नॉलेज, पहले तो नॉलेज तक सबकी पहुंच हो. फिर नॉलेज कंसेप्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, जो ज्ञान के संप्रत्यय हैं आप उनको ऑर्गेनाइज किया जा सके. नॉलेज क्रिएशन कैन बी इन्हांस्ड और नॉलेज क्रिएट किया जा सके. नॉलेज एप्लीकेशन कैन प्रमोट टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि ये वो टाइम है जब बड़ा टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन हो रहा है सब जगह. और डेवलपमेंट ऑफ बेटर नॉलेज सर्विसेज, ये पांच की एरिया इन्होंने लिए. और इन्होंने जो हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन दी है वो तीन हेडिंग में दी है कि हम एक्सपैंड करें हायर एजुकेशन को, उसमें एक्सीलेंस लाएं और उसको इंक्लूजन करें, इंक्लूड करें. तो एक्सपेंशन के लिए क्या कहा इसने? क्रिएट मैनी मोर यूनिवर्सिटीज, वो कह रही है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप खोलिए. चेंज द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन बाय एस्टैब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन. हालांकि ये इतना चल नहीं पाया, इन्होंने कहा कि एक IRAHE बनना चाहिए. इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. एस्टैब्लिश 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, वो कह रहे हैं 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाइए. उस वक्त इन्होंने कहा था लेकिन इतना हो नहीं पाया, 2005 की बात है. फिर फॉर एक्सीलेंस के लिए इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज नीड टू बी रिफॉर्म बाय रीस्ट्रक्चरिंग देयर करिकुला एटलीस्ट वंस इन 3 years. वो कह रहे हैं 3 साल में आप अपना करिकुलम अपडेट कर दीजिए, आपको पता है ऐसा कहीं नहीं होता है. रीस्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस. उस वक्त ये बात कर रहे हैं कि आप कॉलेजेस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड कीजिए. अभी भी कॉलेजेस खुद इनहिबिशन शो करते हैं ऑटोनॉमी लेने में. और इंक्लूजन में क्या कह रहा है कि नीड्स ब्लाइंड एडमिशंस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, मेकिंग इट अनलॉफुल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू टेक इनटू अकाउंट एनी फाइनेंशियल फैक्टर व्हाइल एडमिटिंग अ स्टूडेंट. द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अ वेल फंडेड एंड एक्सटेंसिव नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम टारगेटिंग इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड. वो कह रहा है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो हिस्टोरिकली सोशली डिसएडवांटेज है, उन सबको भी आप इंक्लूड कीजिए और उसके लिए फंडिंग गवर्नमेंट दे. तो ये आया था 2005 में. और इसके बाद 2020 की पॉलिसी आई है जो मेन पॉलिसी है. तो उसको चूंकि मैंने अलग अलग कई हेडिंग्स के तहत मैंने कवर कर लिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ. बीच बीच में कई सारे कमीशन कमिटीज छूट गए, अभी और बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक लेक्चर में कितना कवर कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर भी कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, फिर एजुकेशन कमीशन आया, 2 नेशनल पॉलिसी आई और एक अभी लेटेस्ट वाली है, फिर जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट. बहुत सारी हैं बीच में जो मैंने छोड़ दी हैं डेलिबरेटली या बिकॉज ऑफ लेस टाइम, फिर कभी उस पर बात कर लेंगे, लेकिन इतना तो आपको जानना ही चाहिए. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.